गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से आप लोग के लिए लेकर के आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अगले पार्ट के वीडियो, और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे। तो चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए काम को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, क्या क्वेश्चन है? तो कहता है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2570 टू मेक इट ए परफेक्ट हाउस परफेक्ट स्क्वायर। कहता है 2517 में कितना ऐड करे, कौन छोटी से छोटी नंबर को क्या करे, ऐड करे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन क्या ऐड करे, कौन सा छोटा नंबर को उसमें ऐड कर दे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और एक उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5467 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता 5467 में कौन छोटी से छोटी नंबर को घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। वहां पर क्या बोल रहा है, क्या ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो, यहां पर बोल रहा है क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। तो इन दोनों को क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। तो अभी तक आप पिछले वीडियो में देखे थे कि जब परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली बात आए और कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाला सिचुएशन आता है, तो वहां पर हम नंबर्स का क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, और वही हमको आइडिया देगा कितना जोड़ना है कितना घटाना है, ये सारा आइडिया वो देगा, है ना। जब सिचुएशन सब्ट्रैक्ट करने वाला या ऐड करने वाला आएगा तो करना क्या है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। आप स्क्वायर रूट निकालो, सारा आइडिया वो खुद प्रोवाइड करेगा। देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, तो चलिए जी सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर कितना है 2517, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो दो का पेयर बन गया। अब कितने टाइम्स में लगेगा, 5 टाइम्स में, तो 5 5 = 25। अब उसके बाद ये कट जाएगा और उसके बाद क्या उतरेगा ऊपर से 17 आएगा, और उसके बाद देखिए क्या हो गया 17, अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऐड करेंगे तो ये 10 हो गया। तो 17 उतारे तो नहीं लगा, तो 0 दे दिए, क्या दे दिए, 0। लेकिन यहाँ पर नहीं लगाइए, है ना। तो यानी ये जरूर है कि 50 के स्क्वायर से बड़ा है नंबर, 50 के स्क्वायर से नंबर क्या है, बड़ा है। 50 के यहाँ पर जो 2517 है तो उसका देखिए स्क्वायर रूट निकाले तो इतना हो गया, उसके बाद यहाँ पर 50 आ रहा है, कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो 50 आ रहा है यानी कि कहने का मतलब 2517 है 50 के स्क्वायर से बड़ा है, 50 के स्क्वायर से बड़ा है। तो 50 का स्क्वायर कोई नंबर है तो उससे जस्ट बाद किसका स्क्वायर होगा, उसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होगा तो वो 51 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, 51 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमको क्या कर देते हैं कि वो अच्छा 2517 50 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 51 के स्क्वायर से छोटा है, 51 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो पहले हम 51 का स्क्वायर देखते हैं कि 51 का स्क्वायर कितना आता है, 51 का स्क्वायर कितना आता है। तो यहाँ पर हमको 51 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप 51 × 51 करेंगे तो 51 और उसके बाद 2 5 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10 0 और ये 6, यानी कितना जाता है 2601 आता है, कितना आता है जी 2601 आता है। तो यहाँ पर जानते हैं क्या ऐड करना है, तो रिक्वायर्ड एडेड नंबर। तो यहाँ पर देखिए 2517 ये तो क्या है, स्क्वायर तो है नहीं, 2517 जो है ये तो स्क्वायर नहीं है, तो इसके बाद जस्ट कौन स्क्वायर है, तो इसके बाद स्क्वायर है 2601 जो 51 का स्क्वायर था, 51 का स्क्वायर था। तो यानी कि यहाँ पर कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, तो घटाओगे तभी ना पता चलेगा भैया हमको क्या है, 2517 स्क्वायर है नहीं, तो हमको बोले कि क्या जोड़े, तो जोड़ेंगे तो यानी जोड़ने के बाद जब वो स्क्वायर बनेगा तो 2517 से बड़ा होगा, 2517 से बड़ा होगा। तो क्या ऐड करें भाई, तो 2517 से बड़ा होगा तो कितना होगा, 2601 होना चाहिए, क्योंकि 2500 के बाद जस्ट कौन है, 2601 परफेक्ट स्क्वायर, तो 2601 होना चाहिए, 2601 होना चाहिए। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो भैया घटाओगे तो ना, अगर आपके पास 10 है और कहें कि होना चाहिए 13, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 3 बड़ा में छोटा घटा दिए, तो वही यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड एडेड नंबर बराबर कितना हो जाएगा 2601, और उसमें जो मेरा नंबर है तो मेरा नंबर कितना है जी 2517। अब यही एडेड नंबर आ जाएगा, यही एडेड नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, और ये बच गया अब कितना 5 5 में से 5 गया 84 ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर 2517 में अगर हम 84 को ऐड करेंगे ना तो ये बन जाएगा 2601, तो वही क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं पूछा था, पूछा था कितना ऐड करना पड़ेगा, 84 ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 84 ऐड करना पड़ेगा। एक और ऐसा क्वेश्चन है, हम आपको देखते हैं कि इसमें और एडेड वाला क्वेश्चन है। तो कहता है
कि अब क्या ऐड करें कि ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। जैसे यहाँ पर 9468 है, एक नंबर है इसी के जैसा सेम है, तो एक तो सिखाए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, भार्ट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 9468 में क्या ऐड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें कौन छोटा से छोटा नंबर को ऐड करें, किसमें जी, किसमें, 9468 में, 9468 में कौन छोटा से छोटा नंबर को हम इसमें क्या कर दे, ऐड कर दे ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यानी जैसा क्वेश्चन बताया सेम अभी वही है, खाली हम डेटा चेंज कर दिए हैं। चलिए दो क्वेश्चन बताते हैं, आप सीख जाओगे अच्छा से, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले एडेड सब्ट्रैक्टेड वाली बात आया तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पर 9 बार में लगेगा, 9 9 81 हो गया। अब कितना बचेगा, ये 3 और ये बचेगा 1, फिर 6 और 8 हो गया, और उसके बाद 9 जोड़ देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18। अब 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 लिखेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ पर लगता है 7 लिखना चाहिए क्योंकि 8 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7, तो 7 7 जा कितना हो गया, 49। 7 7 जा क्या हो गया, 49। तो 7 7 जा 49 का यहाँ पर हो गया 9। उसके बाद आपको कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56 और उसके बाद 4, 8 तो 8 7 जा 56 और 4, 60 का 0 बाकी हाथ में 6 हो गया, और 7 1 जा 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पर आ गया कितना, ये बचेगा तो ये आ जाएगा 9, ये बचेगा 5 और ये कट गया, ये कट गया। यानी कि ये जो है 9468 किसी का स्क्वायर नहीं है, 9468 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9468 जो है ना 97 के स्क्वायर से बड़ा है, 97 के स्क्वायर से बड़ा है, तो जरूर 98 के स्क्वायर से, 98 के स्क्वायर से छोटा होगा, 98 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि 9468 के बाद कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 98 के स्क्वायर के बराबर होगा, 98 के स्क्वायर के बराबर होगा, 98 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्यों ना हम कर देते हैं यहाँ पर क्या चीज़, रिक्वायर्ड एडेड नंबर, रिक्वायर्ड एडेड एडेड नंबर, तो रिक्वायर्ड एडेड नंबर बराबर क्या होगा, 98 का स्क्वायर होगा। यानी इसके बाद अगर कोई है तो 98 का स्क्वायर है, लेकिन हमको 98 का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या ऐड करना पड़ेगा। तो भैया 98 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें अपना नंबर घटा लेंगे तो जो आएगा उतना ही ऐड करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर अपना नंबर कितना है जी, 9468। तो 9468 यहाँ पर क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसानी से 98 × 98 कर दीजिए, तो 98 × 98 जा 64, बाकी हाथ में बचेगा 6, और उसके बाद 98 जा 72 और 678 हो गया, उसके बाद 972 हो गया, और उसके बाद 81, तो 81 हो गया और 8 हो गया, यानी 89 हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, 4, ये हो जाएगा 0 और ये 17, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 9, यानी आ गया 9704 आ गया, 9704 आ गया, और उसमें हमको घटेगा क्या चीज़, 9468 बचेगा। अब देखिए घटाइए तो यहाँ पर जाएगा 14 में से 8, तो बचेगा 6, ये बच गया कितना, 9 9 में से 6 जाएगा 3, या 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 236 ऐड करना पड़ेगा, ये एडेड हो गया। अब एक एडेड क्या, कितना ऐड करना पड़ेगा अगर निकालना है, तो इसका एक और आइडिया बताते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो बहुत ही आसान है, तो उसके कारण हम उसको पहले नहीं बताए, अब बताते हैं। तो देखिए वो क्या करना पड़ेगा, तो एडेड करने वाला रहेगा ना, तो रिक्वायर्ड एडेड नंबर निकालने का रहेगा, तो एक चीज़ हम बताते हैं, उसका एक और तरीका है कि आप स्क्वायर रूट निकालो, तो 7 के स्क्वायर से लगाते तो कम आता है, तो फिर 8 के स्क्वायर से लगाते तो ज़्यादा, यानी कि उतना किससे लगा दो ना, लास्ट में उतना से लगाओ कि जस्ट ज़्यादा आए। तो हमको कितना से लगाना चाहिए था, 8 से, कितना से लगाना चाहिए था, 8 से, तो यहाँ पर 8 से लगाते तो कितना हो जाता जी, तो 8 से लगाते हैं तो 8 8 जा 64 का 4, बाकी हाथ में 6, फिर 8 8 जा 64 और उसके बाद 6, यानी 70 हो गया, बाकी हाथ में 7 हो गया, और उसके बाद 8 और 7, तो 8 और 7 कितना होता है जी, तो 8 1 जा 8 और उसके बाद फिर 7, ये हो गया 15। अब उसके बाद घटाइए तो ये कितना बच गया जी, 4, और उसके बाद ये कितना बच गया, 6, और ये कितना बच गया, 2, यानी उल्टा घटेगा क्योंकि अब बड़ा हो गया, तो ये 1504 हो गया, 1504 में घटेगा 1368, तो अब उल्टा घटेगा तो ये बचेगा 6, ये बचेगा आपको कितना, अब ये बचेगा 3 और ये आपको बचेगा 2, यानी कि -236 बचेगा। तो जो चीज़ लास्ट में माइनस में आएगा ना, जो चीज़ लास्ट में माइनस में आएगा उतना ही ऐड करना पड़ेगा, यानी रिक्वायर्ड एडेड नंबर, रिक्वायर्ड एडेड
एडेड नंबर, तो रिक्वायर्ड एडेड नंबर बराबर 236 होगा, 200 क्या होगा 36। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जो सबसे लास्ट बार होगा ना, अंतिमा बार, तो अगर मान लीजिए 7 से लग रहा है तो 8 से लगा देंगे, अगर 8 तक लगना संभव है तो एक बढ़ के लगा देंगे, 9 से लगा देंगे, है ना। तो कुछ माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ माइनस में, और जो माइनस में आएगा उतना ही हमको ऐड करना पड़ेगा, उतना ही हमको ऐड करना पड़ेगा। और अब देखिए सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो रिमाइंडर बचेगा वही। यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर जो है निगेटिव बचाने के लिए एक बढ़ के मल्टीप्लाई करते थे, एक बढ़ के मल्टीप्लाई करते थे, क्यों, क्योंकि क्या जोड़ना हमको ये पता करना है, लेकिन इसमें क्या है कि क्या घटाना है हमको, क्या सब्ट्रैक्ट करें, है ना, क्या सब्ट्रैक्ट करें हमको ये मालूम करना है। तो इसमें भी हमको आपको स्क्वायर रूट निकालना ही होगा, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5467 का स्क्वायर रूट निकाल दिए भाई, तो कितने बार में लग गया जी, तो यहाँ पर 77 जा कितना हो गया 49 हो गया, बच गया 5, फिर 7 से यहाँ पर जोड़ देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 14, और ये 67 हो गया, है ना। तो कितने बार में लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 से, 4 लिखेंगे तो क्या चीज़ 4 से, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 3, तो 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12 का 2 बाकी हाथ में 1, और उसके बाद 3 और 1 कितना हो गया 4। अब उसके बाद यहाँ पर घटा दीजिए जी, तो ये बचेगा 8, और ये बचेगा आपको कितना जी 5 में से 2 गया 3 और ये 1, यानी 138 रिमाइंडर आ गया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर से 138 जो है, ये मेरा 5467 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर से 138 ज़्यादा है, तो हमको बोल रहे क्या घटाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर से जितना बड़ा उतना घटा दो, जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना जी, तो हम बोलेंगे कि 28 में कितना घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर, तो 3, क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से वो 3 बड़ा है, तो 3 कम कर दो, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 138, यानी परफेक्ट स्क्वायर से ये जो नंबर है 5467 वो परफेक्ट स्क्वायर से 138 ज़्यादा है, तो क्यों नहीं नंबर में 138 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या घटाएं, तो क्या घटाना पड़ेगा 138, यानी सिर्फ क्या ऐड करना या क्या घटाना ये पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड है ना, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर, तो रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर बराबर 100 कितना आएगा 38, कितना आएगा जी 138। फिर से एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे कि भाई देखो जब कितना ऐड करें तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन लास्ट बार जितना से लगेगा, जैसे इसमें क्या 3 से लग रहा था तो हम 4 से लगा देते, अगर एडेड वाला रहता तो उसी तरह से जितना से लगे उससे एक बढ़ से लगा दीजिए, अब बढ़ के लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर जो बचेगा निगेटिव में, तो जितना निगेटिव में आएगा उतना ही हमको ऐड करने की आवश्यकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उतना मेरे को घट रहा है, यानी उतना और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको क्या घटाएं, तो क्या घटाएं, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और रिमाइंडर बच गया 138, यानी ये जो है परफेक्ट स्क्वायर से 138 बड़ा है, तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है क्या घटाएं, तो 138 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो जब सब्ट्रैक्ट करने वाला बात आया तो हमेशा किसको घटाएंगे, रिमाइंडर को घटाएंगे। अच्छा चलिए अगर हम क्वेश्चन में परिवर्तन कर देते, क्या घटाएं जब अगर रहे तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि आपको 1765 एक दे दिए, हम 1765 एक नंबर दे दिए, और इसमें भी वही क्वेश्चन रखे हम कि व्हाट शुड बी सब व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1765 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल सा फंडा वही करना है, 1765 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पर दो दो का पेयर लगा दीजिए, 4 4 जा कितना होगा जी 16, बचेगा कितना 1, फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर ऊपर से उतरेगा 6 5, 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 लिखेंगे तो 2 से करेंगे, तो दो बार में लग जाएगा, तो 164 आएगा, तो बच गया 1, यानी क्या परफेक्ट स्क्वायर से ये एक बड़ा है, ये जो मेरा 1765 है, यानी 1765 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, कैसे पता चलता है, यानी जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना बड़ा होगा, यानी उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उतना से क्या होगा बड़ा होगा, तो यानी कितना बड़ा है जी, तो आपको 1 बड़ा है, तो यानी कितना घटाना पड़ेगा हमको, 1 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर, तो रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर बराबर कितना आएगा 1 आएगा, रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर बराबर क्या आएगा जी 1,
तो क्या हो गया कि कितना ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कितना सब्ट्रैक्ट करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वैसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से आप डील कर सकते हैं। कि आगे का और दो क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेके आए हैं और उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कुछ और इंक्रीजमेंट है। कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18,265 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता 18,265 में कौन छोटा से छोटा नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। और जो परफेक्ट स्क्वायर पहले क्या घटाना पड़ेगा ये बताना, फिर उसके बाद क्या है कि घटाने के बाद जो नंबर बचेगा ना परफेक्ट स्क्वायर वाला, उस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। उस नंबर का क्या निकालना है जी, स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए पहले हमको क्या घटाना पड़ेगा ये पता करना है। तो आप लोग अभी तक देखे हैं कि कैसे घटाया जाता है, क्या घटाया, कितना घटाना पड़ेगा अगर ये निकाला जाता है, तो उसके लिए स्क्वायर रूट निकालते हम लोग हैं। तो 265 तो दो दो डिजिट का पेयर बना दिए। अब यहाँ पर देखिए 65 का एक पेयर बन गया, एक 82 का बन गया, लेकिन 1 का नहीं बना है ना, ये 1 का नहीं बना। तो 1 जो क्या लगेगा 1, फिर ये कट गया तो ये बच कट गया और 1 फिर ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 2। अब 8 और क्या उतर गया 2, तो 1 लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे 2 से, 3 लिखेंगे 3 से, 4 लिखेंगे 4 से, तो ये 3 टाइम्स में लगेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 69। अब जितना से मल्टीप्लाई किए उतना ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 26, और ये 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, और ये बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा बच गया 1। ऊपर से अब कौन सा ग्रुप उतरेगा, 65 वाला यहाँ पर नोट हो गया। अब 1 लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम देखते हैं 5 लिख करके तो यहाँ पर 130 और उसका दिया 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 जा कितना हो गया 25, बाकी हाथ में 2, 65 जा 30 और 2 तो 32 हो गया, बाकी हाथ में 3 हो गया, और उसके बाद 5 जा 10 और 3 ये क्या हो गया 13। अब उसके बाद क्या हो गया ये कट गया, सॉरी 5 में से 5 घटेगा तो 0 आएगा, 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 में से 4 2 घटेगा तो बचेगा 4, ये 3 में से 3 कट गया यानी 40 आया। क्या आया 40, यानी ये जो मेरा नंबर 18,265 जो है, 18,265 जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर से 40 बड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर से 40 क्या है ग्रेटर है, तो यानी उसमें हम 40 कम कर देते हैं तो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी हमको वही पूछ रहा है कितना घटाना पड़ेगा, तो यानी हमको घटाने की आवश्यकता कितना है 40 है। तो अगर हमको रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर पूछ रहा था, यानी पहले क्या पूछ रहा है फाइंड द लिस्ट सब्ट्रैक्टेड नंबर, यानी छोटा से छोटा नंबर जो घटाएंगे तो हमको घटाना कितना है 40 है। तो रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर बराबर क्या हो गया 40 हो गया। फिर कहता है कि अगर ठीक है हमको पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसमें 40 कम करना पड़ेगा, ये तो मेरे को मालूम हो गया, तो एक चीज़ का जवाब मिल गया। लेकिन कहता है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर, यानी रिजल्टिंग मतलब जो रिजल्ट आया है ना, यानी 40 घटाने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बचेगा ना, उस नंबर का स्क्वायर रूट बताना चाहिए, स्क्वायर रूट बताइए। तो पहले हम रिजल्टिंग नंबर निकालते हैं कि भाई घटाने के बाद कौन सा नंबर बचेगा, तो रिजल्टिंग नंबर तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 18,265 है, इसमें हमको कितना घटाना पड़ेगा 40, तो बचेगा 18,000 है ना 225 बचेगा, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो गया। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है कि यानी जो ऐड करने बोलेगा तो ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट करने बोला तो सब्ट्रैक्ट करने बोला, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर बचा है उस नंबर का क्या बतलाना है, स्क्वायर रूट बतलाना है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ किसका 18,225 बराबर अंडर रूट 18,225 होगा। अब देखिए अगर 40 कम करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो 135 आएगा, तो 135 हो गया, 100 क्या हो गया जी 35 हो गया। अब चलिए उसी के जैसा यहाँ पर भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें था क्या घटाएं है ना, इसमें है क्या ऐड करें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2723 में हम क्या ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या कहता है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2773
टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, और उसके बाद क्या ऐड करें ये पूछ रहा है, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फिर जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा उस नंबर का स्क्वायर रूट भी पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना ऐड करें, है ना, स्क्वायर बनाने के लिए कितना ऐड करें, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो दो दो डिजिट का पेयर हो गया जी। अब उसके बाद देखिए फाइव में लगाएंगे तो फाइव फाइव जा 25 ही हो गया, बच गया यहाँ पर क्या जी 2, और ये कट गया ऊपर से उतरा 7 3, और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। अब 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम होगा ना, 10 है, अगर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101, अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204, अगर यहाँ पर 10 यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 309, तो यहाँ पर कितना होगा, हम बोले थे कि एडेड में जितना है उससे जस्ट बड़ा, तो 204 कम है यानी 204 लग सकता था, लेकिन नहीं हमको उससे जस्ट बड़ा, तो 300 लाइन लगाएंगे, यानी कितने बार में लग रहा है जी 3 बार में, तो 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा ये 309। अब यहाँ पर बचेगा घटाइएगा तो -36, क्योंकि 309 बड़ा 273 ये छोटा है, तो घटाएंगे तो -36 आएगा, तो जितना आता है माइनस में वही एडेड नंबर आता है, तो -36 आया, यानी नंबर में 36 करने की आवश्यकता है, नंबर में कितना ऐड करने की आवश्यकता है 36 ऐड करने की आवश्यकता है, तो हमको नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा रिक्वायर्ड एडेड नंबर, रिक्वायर्ड एडेड नंबर, तो रिक्वायर्ड एडेड नंबर बराबर क्या हो गया 36। उसके बाद निकालते हैं द न्यू ऑब्टेंड नंबर, द न्यू ऑब्टेंड नंबर यानी नया वाला जो नंबर प्राप्त होगा, बोला ऐड करना पड़ेगा 36, चलो अब नंबर में 36 जोड़ देते, तो वो नया वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ये, अभी तो ये पता चला कि कितना जोड़ना पड़ेगा यानी 36, लेकिन हमको परफेक्ट स्क्वायर यानी इसमें कितना हो जाएगा 2773, है ना, 73 प्लस 36 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, यानी 2809 हो गया। फिर न्यू नंबर का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यहाँ पर बस बहुत ही आसान है, द स्क्वायर रूट, है ना, द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, तो द स्क्वायर रूट न्यू नंबर बराबर क्या होगा अंडर रूट 2809 होगा, और 2809 का स्क्वायर रूट आप अलग से निकाल लीजिए, अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो देखिए ये जो आया है 53, ये किसका है, इसी का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को पे भी जरूर क्लिक करिएगा भाई, काहे कि बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ना तो आपका जो है नया नया वीडियो वाला अपडेट्स मिलते रहेगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।